हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की हाई थिंकिंग में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी और चने की बढ़िया सी दाल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं चने और लौकी की दाल बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ शेयर करके बनाती हूँ। तो चने और लौकी की दाल बनाने के लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली है सोख की हुई और 1 कप लौकी ली है कटी हुई। अब प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें चना दाल और लौकी को ऐड करेंगे। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, 3 हरी मिर्च स्प्लिट की हुई ऐड करेंगे। तो अब दाल में पानी ऐड करेंगे। आपको दाल गाढ़ी खानी पसंद है या पतली, उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सॉल्ट वाला पार्ट जो है डिलीट हो गया, इसके लिए हम इसमें अब सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब कुकर की लिड लगाएंगे और इसे 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे दाल को पकाएंगे। तो चने और लौकी की दाल हमारी पक गई है, अभी इसे चेक करेंगे और लैडल से इसे हम कुकर में ही मैश करेंगे। तो अब हम दाल में तड़का लगाएंगे। तो यहाँ मैंने गैस के ऊपर एक तड़का पैन चढ़ाया है, इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। घी थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे, 4 से 5 साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे, 2 तेज़ पत्ता ऐड करेंगे। अब इसमें 8-10 करी पत्ता ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 10 से 11 चॉप्ड किए हुए लहसुन। अब तड़के को अच्छे से भून लेंगे। तो तड़का हमारा भुन गया है, अब इसे दाल में ऐड करेंगे। तो तड़का ऐड करने के बाद दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद 1 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे। अब इसमें चॉप्ड की हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। तो चलिए हम चने और लौकी की दाल राइस के साथ सर्व करते हैं। तो चलिए हम गार्निशिंग के साथ प्लेटिंग करते हैं। तो जस्ट कुक किया हुआ राइस है, इसे एक बोल में रख के सेंटर में सेट करेंगे। अब इसके साइडों में दाल सर्व करेंगे। अब इसे चॉप्ड की हुई धनिया की पत्ती और अनियन सैलेड से गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चने और लौकी की दाल हमारी बनके रेडी होगी। आप इसे राइस के साथ एंजॉय करिए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।